तो तोहफा सोचना है तेरे बीन के जन्मदिन के लिए। ऐसा क्या दिया जाए जग्गिया को जो उसे बहुत अच्छा लगेगा? एक काम कर आनंदी, तू जाकर अपने ताऊसा को बुला ला। क्या? ताईसा, आप ताऊसा से पूछोगी तो वो यही कहेंगे कि 5 किलो घी भेज दो। नहीं आनंदी, तू अपने ताऊसा को जानती नहीं है, वो जैसे दिखते हैं वे... तू जाकर बुलाना अपने ताऊसा को। ताऊसा, ताईसा आपको बुला रही है। हाँ आया आया, मैं आया जरा मासा। सारी भली हो गई, इतने दिनों घूम के आ गई इसके साथ, फिर भी दो पड़े ना बैठने दे रहे ऐसे भरे पास। ये दुनिया ऐसी हो गए कि अपने सासुओं के छोरों को चुराने की ताक में रह हर वक्त। क्या हुआ? तू जा, मुझे तेरे ताऊसा से कुछ बात करनी है। चल। सोच लिया तेरे बीन के लिए एक बढ़िया सा तोहफा। चल नीचे, चल। अरे चलो। मासा, आनंदी पूछ रही थी कि जग्गिया का जन्मदिन आने वाला है तो क्या देना है उसे तोहफे में? अरे अपने जगदीश का जन्मदिन आवे, मैं तो भूल ही गई। अरे खाक पड़े इस बुढ़ापे पे, उसका जन्मदिन कैसे भूल गई मैं? अरे मां साहब सुनिए तो सही। हाँ बोल। मैंने और गहना ने आनंदी की ओर से, लो बल्कि आनंदी की ओर से क्यों, हम सब की ओर से जग्गिया के लिए एक ऐसा तोहफा सोचा है कि उससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ अब तू ताऊ है उसका, जे ताई है, बढ़िया से बढ़िया सोचा होगा, जो सोचा है खरीद ले, पैसे की चिंता मत करना। फिर मैं उसको अच्छी तरह से संवार के बांध बूंद के उसके लिए भेज दूंगी। अरे मासा, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, ये सजाने सवारने की बातें बाद में सोचिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगी आप। क्योंकि मैंने और गहना ने ये सोचा है कि जग्गिया के जन्मदिन पर इस बार अगर उसके सामने आनंदी हो तो इससे अच्छा तोहफा तो उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इस बार जग्गिया के जन्मदिन पर आनंदी को जग्गिया के पास ही भेज दे, मुंबई। मुंबई
बापू सा, लगता है दादी सा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। तू परेशान मत हो बेटा, मासा समझ जाएंगी। और वैसे भी इस बार बात भाई सा की ओर से हुई है, मेरी ओर से नहीं। भाई सा की कोई भी बात मासा ज्यादा देर तक नहीं टाल सकती है। हाँ, थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी मनाने के लिए, लेकिन वो मान जाएंगे। तू जाओ और जाकर अपनी तैयारी शुरू कर जाने की। लेकिन इतनी दूर अकेली कैसे जाएगी? अरे तो माखन को भेज देंगे साथ में। हमने ये भी तो नहीं सोचा, जगिया का जन्मदिन कल ही तो है। उड़ के पहुंची तो पहुंच जाएगी, नहीं तो इतनी जल्दी। ओहो, उसमें क्या है? ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम आज रात की बस से जयपुर भेज देंगे। सुबह तक ही जयपुर पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच के लेंगे हवाई जहाज और 2 घंटे में मुंबई। क्यों आनंदी, संभाल लेगी ना तो सब कुछ? लेकिन ताऊसा, दादी सा। अरे दादी सा की तू चिंता मत कर, उन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर जोर लगाएंगे ना तो मना नहीं कर सकेंगे वो। चल तू जाकर अपनी तैयारी कर जाने की, और सुमित्रा तू भी देख ले क्या क्या भेजना है साथ में जगिया के लिए। हाँ, और हाँ भाई साहब, वो जो हमारा खानदानी लोहे का 6 फुट बड़ा और 70 किलो का जो घोड़ा है, वो भी तो इसके साथ ही भेजना है ना। हाँ? बापू आप भी ना। जा बेटा, जाने की तैयारियां शुरू कर, और सुमित्रा तू भी देख ले क्या क्या भेजना है। जी गहना। नकटे बंदर, तुझे झटका देने आ रही है तेरी चुहिया। कोई फीलिंग नहीं है तो जो हमारे बीच नजदीकियां बढ़ने लगी
उस किले में जो कुछ हमारे बीच हुआ वो सब क्या था जगत? क्या था वो सब? बताओ बताओ जगत। जगत करूं मैं गौरी, क्या कहूं तुमसे? गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरा एक झूठ मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। सच तुमसे कह नहीं सकता और ना बोलने की ताकत नहीं है मुझ में। गौरी बेटा, इतनी सुबह सुबह अपने बड़े पापा की याद कैसे आ गई तुझे? तू ठीक तो है बेटा? जी बड़े पापा, सब ठीक है। बस आपसे बात करने का मन किया तो इसलिए मैंने फोन किया। गौरी बेटा, तेरी आवाज से लग रहा है कुछ परेशान है तू। क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है बेटा? अरे तू रो रही है? कहाँ है तू? क्या हुआ तेरे साथ? अरे कुछ तो बता बेटा।
मैं अपने कमरे में हूँ बड़े पापा, हॉस्टल में। आज क्लास अटेंड करने का मन नहीं किया, बस थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। बस बड़े पापा, और कुछ नहीं है। देख मेरी बच्ची, तू अपने बड़े पापा से कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? वो क्या नाम है तेरे दोस्त का, जगत, जगत से तेरी कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई ना? नहीं 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 बड़े पापा, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। देख बेटा, अगर इस वक्त तू कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे अपनी गौरी पर पूरा भरोसा है। बेटा, जितनी बड़ी ठोकर तूने खाई है ना, उसके बाद भी यहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तुझे उसका हल ढूंढना ही होगा। याद रख बेटा, तेरे लिए तेरा लक्ष्य ही सब कुछ है, कोई भी रुकावट तेरा रास्ता नहीं रोक सकती। गौरी, तू अपने बड़े पापा की बात सुन रही है ना? देख बेटा, कोई भी मुश्किल हो उसे ज्यादा देर तक अपने आप को परेशान मत करने देना, नहीं तो वो मुश्किल तेरे जोश, तेरी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाएगी। अपने अब तक की मेहनत को बर्बाद मत होने देना बेटा। जी बड़े पापा, ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच बड़े पापा। मन हल्का हो गया आपसे बात करके, हमेशा की तरह। बेटा, अपना ख्याल रखना, ईश्वर तुझे सुखी रखे। थैंक यू बड़े पापा, बाय। तो अपने सवाल का जवाब लेकर होंगी मैं जगत से, फिर चाहे वो जवाब हाँ हो या ना, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो आर, या तो पार। सत्य को छिपाकर जब किसी अन्य से संबंध बनते हैं तो सच खुल जाने का डर व्यक्ति को सदा दुविधा में उलझाए रहता है।